हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। आज का जो मेरा टॉपिक है इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर के ऊपर न्यूमेरिकल्स, क्योंकि न्यूमेरिकल्स तो मैं लेके आया हूँ, लेकिन उसके साथ मैं पहले इसको डायग्राम और उसका फॉर्मूला समझा देता हूँ, जिससे कि आपको जो न्यूमेरिकल लगाने में आसानी हो, क्योंकि इसका डेरिवेशन आप समझ गए, क्योंकि तो फॉर्मूले बेस बहुत आसान होते हैं। इससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आने वाले वीडियो आपके पास पहुंच सकें। इसके अलावा जो मैनोमीटर के नाम से या फ्लूड मैकेनिक्स के नाम से हमारी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो उसमें जाके आप सारे फ्लूड मैकेनिक्स की वीडियो देख सकते हैं, और मैनोमीटर से रिलेटिव इसकी थ्योरी पार्ट और डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल पार्ट्स आप जाके मैनोमीटर के नाम से एक स्पेशल प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आपको ये कह रहा था जो हमारी यूट्यूब में जो हमारा इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या है, जो डिफरेंशियल मैनोमीटर उसका अपोजिट है, मतलब एकदम उल्टा है, इन्वर्टेड बोलते हैं इसको, कंटेनिंग अ लाइट लिक्विड। इसमें क्या लाइट लिक्विड भरा रहता है। द टू एंड्स ऑफ द ट्यूब आर कनेक्टेड टू पॉइंट्स हुई डिफरेंस ऑफ प्रेशर टू बी मेजर। जैसा कि डिफरेंशियल मैनोमीटर से अपन जाते हैं कि दोनों का प्रेशर क्या करते हैं, अपन मेजर करते हैं, और दोनों में ही अलग अलग टाइप के लिक्विड भरे रहते हैं, जिसकी डेंसिटी अलग अलग होती है, या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों की अलग होती है। द टू एंड्स ऑफ द ट्यूब आर कनेक्टेड टू पॉइंट्स हुज डिफरेंस ऑफ प्रेशर इज टू बी मेजर। इट इज यूज टू मेजर डिफरेंस ऑफ लो प्रेशर। इसका यूज लो प्रेशर का को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इन्वर्टेड यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर जो कि यहाँ पर बनी हुई है, जो कि डायग्राम बना हुआ है, इससे अपन समझते हैं। सबसे पहले मान लिया H1। H1 क्या माना? हाइट ऑफ द लिक्विड इन लेफ्ट लिम्प बिलो द डेटम लाइन। अब जो इन्वर्टेड है तो ऊपर क्या भरी लाइट लिक्विड है या फिर कोई लिक्विड भरा हुआ है, इसमें अलग अलग लिक्विड भरा हुआ है। अब इसमें पुश करते हैं, जो बैलेंसिंग के रूप में जैसा भी हमारी इस पोजीशन बनती है, उससे एक हमने डेटम लाइन मानी एक्सिस, वहां से अपन इसको कंसीडर करते हैं। ये जो इसके सेंटर से यहाँ तक की हाइट H1 मानी, इसके सेंटर से यहाँ तक की हाइट H2 मानी, और जो हमारी जो लिक्विड भरा हुआ है इसकी हाइट क्या मानी? H मानी, है ना। H2 की हाइट ऑफ द लिक्विड इन राइट लिम्ब, H का डिफरेंस ऑफ लाइट लिक्विड, जो लाइट लिक्विड भरा है उसका डिफरेंस, क्योंकि ये टोटल लिक्विड अपन इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये डिफरेंस निकल आएगा। रो 1 का डेंसिटी ऑफ लिक्विड एट ए, रो 2 का डेंसिटी ऑफ लिक्विड बी, रो s का डेंसिटी ऑफ लाइट लिक्विड, लाइट लिक्विड है उसको रो s से डोनोटेट कर दिया लाइट लिक्विड, पीए का प्रेशर एट ए, पीवी का प्रेशर एट, सिर्फ दोनों को अपन को इक्वल करना है, जैसे अपन पहले से करते आए। सबसे पहले डेटम लाइन से अपन क्या करेंगे, अपन प्रेशर निकालेंगे, टेकिंग लाइन एक्सेस डेटम लाइन, देन प्रेशर इन द लेफ्ट लिम्प बिलो, बिलो की बात कर रहा है, नीचे की बात कर रहा है, तो अपन क्या करेंगे, इसका जो प्रेशर क्या है, इसका प्रेशर क्या है, पीए, ऊपर जो प्रेशर होगा क्या होगा, माइनस में लेंगे क्या, है ना, ऊपर की ओर क्या लेंगे, माइनस रो 1 GH1, रो 1 GH1 हम जानते हैं प्रेशर, इसका जो प्रेशर क्या होता है ना, क्या होता है, जो हमारा स्पेसिफिक वेट होता है इनटू जो डेटम हाइट होती है ना, जो डेटम से हाइट होती है, हेड बोलते हैं इसको, हेड होता है प्रेशर हेड, प्रेशर हेड इक्वल टू, क्योंकि हम जानते हैं P/W, मतलब क्या होता है P/W, पी क्या होता है प्रेशर होता है, डब्ल्यू क्या होता है स्पेसिफिकेट, स्पेसिफिकेट डब्ल्यू इक्वल टू रोजी होता है, रोजी होता है तो क्या होता है, क्या हो जाता है, पी इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एच इंटू डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या होता है रोजी, तो क्या होता है डब्ल्यू रोजी हो जाता है एच, ठीक है। इस तरह इसका क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इस तरह प्रेशर इन द राइट लिम्ब, इस तरफ की बात करें तो क्या हो जाएगा, पी वी इसमें हो गया, ऊपर की ओर गया लाइट लिक्विड, इसमें माइनस हो जाएगा, तो ये जो यहाँ तक का है, तो रो 2 इंटू जी इंटू H2, यहाँ तक की बात कर रहा है, फिर जी लाइट लिक्विड की बात करें, माइनस रो S का, इसका लाइट लिक्विड की डेंसिटी मानी, इंटू जी ग्रेविटी इंटू एच, एच क्या हो गया, ये जो हाइट है, डिफरेंस है दोनों में, दोनों को इक्वेटिंग कर देंगे, ठीक है, दोनों वैल्यू इक्वेट कर दिए, PA माइनस PV चाहिए, PA इधर है, इस तरफ का PV इस तरफ लेगा तो माइनस हो गया, ये जो वैल्यू इस तरफ की PV छोड़ के ये सारी वैल्यू है ना एक दूसरे को क्या कर दिया, रो 1 देखो ये इसको इस तरफ लाए, क्या किया, इस वैल्यू को माइनस वाली वैल्यू को इस तरफ लाए, तो ये इस तरफ आएगी तो प्लस हो जाएगी, रो 1 इंटू जी प्लस एच 1 इंटू एच 1। अब ये इस तरफ की जो वैल्यू माइनस रो 2 GH2 माइनस ये, इसको जैसे तरह इस तरफ भी रन दिया, क्योंकि अपन इसको इस तरफ लाए, माइनस रो 2 इंटू जी H2 माइनस, अब ये क्वेश्चन बन गया, ये हमारा इस न्यूमेरिकल, इसी हमारे फॉर्मूले से सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो अपन आगे न्यूमेरिकल देखते हैं, फॉर्मूला याद कर लें, इसको समझ लें, ठीक है, इसको याद रखें बस, जो लेफ्ट और राइट लिम्प की एच को एच बनवाना, ए एच टू है सेंटर से, और ये जो हमारी लाइट लिक्विड उसकी हाइट कितनी एच है, दोनों का डिफरेंस है, न्यूमेरिकल समझते हैं, जल्दी समझ में आएगा। देखा, वाटर इज फ्लोइंग थ्रू आर टू डिफरेंस पाइप्स, दो डिफरेंस पाइप है, उसमें वाटर फ्लोइंग है, टू विच आर एन इन्वर्टेड डिफरेंशियल, इन्वर्टेड लिखा हुआ है मतलब इस तरफ की अपने डायग्राम बनाएंगे उल्टा डिफरेंशियल मैनोमीटर का, हैविंग एन वॉयल ऑफ स्पेस, जो वॉयल उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8, कनेक्टेड द प्रेशर हेड इन द पाइप ए इज
मीटर ऑफ वाटर, ठीक है। फाइंड द प्रेशर इन द पाइप बी, जो पाइप बी है ए वाला, इसमें प्रेशर फाइंड करना फॉर द मैनोमीटर रीडिंग, ठीक है। अब इसमें कुछ डायमेंशन दे, जैसे जी इसमें जो लिक्विड भरा हुआ है हलाइट लिक्विड, उसकी स्पेसिफिक 0.8 दी है, ठीक है। ये वाटर, वाटर की अपन जानते हैं कितनी होती है, 1 होती है, तो उसको 1000 कर लेंगे, क्या डेंसिटी हो जाएगी, ठीक है। तो अब जैसे दिया है प्रेशर हेड एट ए, एट ए पे प्रेशर हेड अपन जानते हैं पी ए अपॉन रो जी होता है ना। प्रेशर हेड एट ए पे क्या होता है, 2 मीटर ऑफ वाटर, क्या दिया 2 मीटर ऑफ वाटर। अब इसलिए क्या हो जाएगा, पी ए इक्वल टू रो इंटू टू इंटू जी इंटू टू, तो इसलिए पी ए कैसे निकला है ना, क्वेश्चन में लिखा है, देखो अपन को ये लिखा, द प्रेशर हेड इन द पाइप इज 2 मीटर ऑफ वाटर, 2 मीटर ऑफ वाटर, ठीक है। प्रेशर हेड हम जानते हैं पी अपॉन रो जी, जो अभी बताया था प्रेशर हेड क्या होता है, पी अपॉन रो जी, मतलब पी अपॉन डब्ल्यू होता है स्पेसिफिक वेट, प्रेशर अपॉन स्पेसिफिक वेट होता है, लेकिन पी अपॉन डब्ल्यू इक्वल टू रो जी होता है, ठीक है। तो पी ए निकालना, तो ए इस तरफ पहुंच जाएगा, जो हेड दिया वाटर का 2 मीटर दिया, तो इसका इंटू 2 में हो जाएगा, तो हमारा प्रेशर पी ए आ जाएगा। रो की वैल्यू हम जानते हैं 1000 होती है वाटर के लिए, 9.81 ग्रेविटी हो गई, 2 का इंटू करके हमारा न्यूटन पर मीटर प्रेशर आ गया। अब करते हैं अरेंजमेंट, टेकिंग एक्स एक्स डेटम लाइन मान है, उसके जो लेफ्ट लिंप है उसका अपन प्रेशर निकालते हैं। जैसे फॉर्मूले से पी ए माइनस रो वन इंटू जी इंटू एच वन, फॉर्मूला भी लिख सकते हैं अपन, ऐसा भी अपन इसको कर सकते हैं। सारी वैल्यू पुट करना, रो वन हम जानते हैं इसकी जो 1000 वाटर भरा हुआ है, वाटर की डेंसिटी कितनी होगी, 1000 होगी के जी पर क्यूबिक मीटर, 9.8 जी की वैल्यू हो गई, एच वन क्या 0.3, ये जो ये टोटल डिस्टेंस कितनी दी 30 सेंटीमीटर दी है, 30 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि सारी वैल्यू हम मीटर में ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 100 का डिवाइड कर देंगे 0.3 मीटर हो जाएगी, इसको इंटू करके ये निकाल लिया। अब क्या करते हैं, प्रेशर बिलो एक्सेस राइट लेफ्ट इस तरफ की बात करते हैं। अब पी वी क्या है, इसका प्रेशर माइनस, इसमें भी क्या वाटर भरा हुआ 1000 हो गया, 9.81 जीरो, ये क्या है 0.1, मतलब जो यहाँ से यहाँ तक का जो जो हाइट दी है वो क्या 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर लिया, 100 से डिवाइड कर दिया तो 0.1 मीटर हो गया। माइनस इसका जो लाइट लिक्विड है उसकी बात कर रहा हूँ, माइनस क्या 0.8 स्पेसिफिक ग्रेविटी दी, इसमें 1000 का इंटू कर लिया, के जी पर क्यूबिक मीटर डेंसिटी हो गई, डेंसिटी इंटू जी 9.81 इंटू हाइट, इसकी जो हाइट दी 12 सेंटीमीटर दिया, इसमें भी 1000 का 100 का डिवाइड करके अपन इसको मीटर में चेंज कर लिया। अब इसको कैलकुलेट कर लिया तो पी वी हो गया माइनस ए, ये मतलब इसको कैलकुलेट किया, इसको कैलकुलेट किया, ए रख लिया, तो फिर इसमें से इसको जोड़ दिया, पी वी माइनस ए वैल्यू आ गया, दोनों को इक्वेटिंग कर दिया, जो ऊपर की वैल्यू इसको इक्वल टू ए जो वैल्यू इसको, और पी वी करके इस तरह निकाल लिया, इस तरफ लेगा इसको प्लस कर दिया, और हमारी ये न्यूटन पर ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गए, इसको अपन और किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे, तो 100 से 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगी किलो न्यूटन पर किलोमीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, जैसे दिया है एक न्यूमेरिकल, इसमें डायग्राम दिया है, एन इन्वर्टेड डिफरेंशियल मीटर इज कनेक्टेड टू पाइप्स ए एंड बी, ए एंड बी दो पाइप से कनेक्ट है, विच कन्वे वाटर, द फ्लूड इज मैनोमीटर इज ऑयल स्पेस, ऑयल है तो उसकी स्पेसिफिकेबिलिटी 0.8 है, इसको डेंसिटी में चेंज कर लेंगे 1000 से इंटू करके, फॉर द मैनोमीटर रीडिंग इन द फिगर, फिगर में सारी रीडिंग शो कराई गई, फाइंड द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, इन दोनों का प्रेशर डिफरेंस निकालना, मतलब पी ए माइनस पी बी, इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हैं। पी एस ये दिया है, देखो जो जो लिक्विड दिया है किसमें, मैनोमीटर में, मैनोमीटर की बात कर रहा हूँ, जो लाइट लिक्विड 0.8 दी है स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो कि डायग्राम में भी शो कराया, इसको 1000 से इंटू करके, इसमें 1000 से इंटू करके इसकी अपन ने डेंसिटी निकाल ली के जी पर क्यूबिक मीटर। अब डिफरेंस ऑफ ऑयल इन टू लिम्स कितना दिया, देखो डिफरेंस ऑफ ए कितनी दिए 30 दिए, ठीक है, और ए कितनी दिए 20 दिए, है ना। अब ये क्या कर रहे हैं, हमारी जो ए इतनी दिख रही है ये वाली, यहाँ देखो ध्यान से, इतनी हाइट नहीं है क्योंकि ये लाइट लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी चाहिए, वो चाहिए हाइट, हेड चाहिए, तो इसको क्या निकालेंगे, टोटल में से इतनी घटा देंगे तो हमारी इतनी निकल आएगी, मतलब 30 प्लस 20, 50 में से 30 घटा देंगे तो हमारी इतनी आ जाएगी, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 30 प्लस 20, मतलब ए वाली माइनस इतनी वाली, इसको घटा दिया तो ये जो यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर आ गई, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब 100 से डिवाइड करके 0.2 आ जाएगी। अब एक एक तरफ का अपन प्रेशर निकालेंगे, इस तरफ के देखें पी ए माइनस 1000 वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई, सॉरी डेंसिटी हो गई, और 9.9 जी हो गई, और जीरो क्या हो गया इसमें, ये कुछ गलत लिख गया है छपने में, ये कितनी होगी 0.3 सेंटीमीटर, 0.3 मीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 30 दी है, किसमें दी सेंटीमीटर नहीं, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे 100 से डिवाइड करके तो कितना होगी 0.3, यहाँ पर 0.3 लिखेंगे, 0.3 और लिख देंगे यहाँ पर, इसको कैलकुलेट करके ये रख लेंगे। अब राइट लिंब का भी निकाल के फिर दोनों को इक्वल कर देंगे, पी वी मतलब इसका माइनस, इसमें ये जो वाटर भरा हुआ है इंटू
ये हो गया रोवन, मतलब होता है डेंसिटी किसकी, वाटर की, 1000 इंटू 9.81 जीव इंटू 0.3 इसकी जो हाइट, माइनस अब जो जो लिक्विड भरा यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा है, इसकी क्या हो गई स्पेसिफिक ग्रेविटी जो दी है, जो यहाँ पर निकाली भी थी 1000 से इंटू करके 0.81 इंटू जी 9.81 इंटू यहाँ से यहाँ तक की जो अपने हाइट निकाली 20 सेंटीमीटर कितनी हो जाएगी, मीटर चेंज करके 100 से डिवाइड करके 0.2 मीटर। अब ठीक है, इसको कैलकुलेट करके एक क्वेश्चन बन जाएगी, पीवी माइनस एक क्वेश्चन बन जाएगी, पूरा कैलकुलेशन करके इतना आ जाएगा। अब ए और दोनों इक्वल कर देंगे, पीवी माइनस पी, पीवी और इसको इस तरफ ले जाएंगे, पीवी माइनस पी ए और इसको इस तरफ ले जाएंगे, तो क्या इसको मतलब इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ए क्या इधर जाके माइनस हो जाएगा, ए इधर है, ए इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इसको इसमें घटा के न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा। अगर इसको किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हम चेंज करना है तो कितने से 1000 से डिवाइड कर देंगे तो इसको किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर में आएगा। तो फ्रेंड्स ये आज का वीडियो था जो कि न्यूमेरिकल थ्योरी बेसिस मैंने कोशिश की है फॉर्मूले समझाने की और न्यूमेरिकल भी उसके साथ समझाने की। तो फ्रेंड्स पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें और कोशिश करें प्रैक्टिस करने की, जिससे कि आप या तो एक या दो बार तीन बार वीडियो लगातार देखें तो उससे भी आपको क्लियर होगा। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा लें और फ्रेंड्स हमारा चैनल विजिट करते रहें और देखते रहें वीडियो आने वाले। थैंक यू फ्रेंड्स।